हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। टाइम है अभी मॉर्निंग का, मॉर्निंग से बच्चे हैं सारे से, और मैं सुबह उठते ही आ जाती हूँ सबसे पहले किचन में, क्योंकि पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाना होता है लंच और ब्रेकफास्ट। तो सुबह का काम यही होता है सबसे पहले किचन में आना। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में अरहर की दाल, चावल, रोटी और साथ में आलू फ्राई। मैं पोहा और मैंगो शेक। तो मेरा थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा काम रह रहा है। मैंने दाल चढ़ा दी है, इधर साइड में मेरा दूध गर्म हो रहा है। मैंने बना दिए हैं ये आलू फ्राई और मैंगो शेक भी मैंने बना दिया। इधर मैंने पोहा को धोकर रख दिया है। तो बस फटाफट फटाफट मुझे अभी दाल में तड़का लगाना है, फिर चावल बनाने हैं, फिर रोटी बनानी है, सैलड काटना है। तो लंच पैक करने में लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो 9 बजे लोग निकल जाते हैं, 9 बजे से पहले पहले मुझे सारा काम करना होगा। तो चलिए फटाफट से सारा काम निपटा लेते हैं। फ़ैन साफ, क्योंकि गर्मियों में फ़ैन चलते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी इन पर धूल जमा हो जाती है। तो कल करे थे पापा ने ऊपर वाले पोर्शन के साफ, आज कर रहे हैं पापा नीचे के पोर्शन के। और देखो 7 बजे हैं अभी, और फटाफट सारा काम निपटा लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है मिल्टन का लंच बॉक्स न्यू, और इसकी ओपनिंग भी हम आज ही करेंगे, मतलब उसका श्री गणेश आज ही दूंगी फर्स्ट टाइम इसमें लंच। उससे पहले मेरे हस्बैंड का ये वाला था और ये काफ़ी पुराना हो चुका था ये वाला, और ये है पापा का। तो ये वाला और ये वाला दोनों जो हैं वो पुराने पापा ले जाया करेंगे, और इसमें मैं अपने हस्बैंड को आज लंच दूंगी। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बाद मैं पापा के लिए भी मंगाऊंगी। और ये है मिल्टन का, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मिंत्रा पर सेल चल रही थी तो उसी से मैंने परचेज़ किया। वैसे है ये 2000 का और मुझे पड़ा ये 850 का, तो मैंने मंगा लिया। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि करके कि इसमें क्या क्या है। तो इसको करते हैं ऐसे ओपन। तो भाई सबसे पहले है ये फ्लास्क मिल्टन का, उसके बाद है ये जिसमें हम अचार रख सकते हैं, उसके बाद ये छोटा सा है जिसमें हम कोई भी सूखी सब्ज़ी रख सकते हैं, उसके बाद ये उससे बड़ा जिसमें हम दाल वगैरह रख सकते हैं, और ये है उससे बड़ा जिसमें हम रख सकते हैं राइस वगैरह। और ये 2 ओवर स्पून हैं इसके, और ये इन पे ना लिखा हुआ है इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है। तो इसमें ये है 500 ml का, और उसके बाद जो सेकेंड वाला है ये है 350 ml का, और ये वाला है 200 ml का। तो ये इनकी सबकी क्वांटिटी लिखी हुई है कि किसमें कितना आ सकता है, चीज़ आ सकती है। ये 100 ml का है। तो बस आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये लंच बॉक्स। इसमें ना 2 कलर थे मिंत्रा पर, और बट मैंने पहले ही ब्लैक कलर चूज़ कर दिया। हालांकि उसके एक और मेहरून कलर भी था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मंगाऊंगी पापा के लिए तो मेहरून मंगा लूँगी, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपने थोड़े से खाने की तैयारी कर लेते हैं। गाइस लंच रेडी हो चुका है। आज है अरहर की दाल, चावल, आलू फ्राई, रोटी, सैलड और साथ में है ये हरी मिर्च का अचार। तो आज के लंच में हैं ये सारी चीज़ें, और पापा जी का भी साथ में लंच मैं पैक कर रही हूँ। देखो इधर पापा जी का रखा हुआ है, 1 by 1 पैक करेंगे। तो चलिए फटाफट से लंच पैक कर लेते हैं, और फिर बनाना है मुझे ब्रेकफास्ट। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में बना है आज पोहा, साथ में बनाया है मैंने मैंगो शेक। तो सुबह 9 बजे तक मेरा लंच भी तैयार हो जाता है, इन लोगों को मैं टिफ़िन में देती हूँ पैक कर, और ब्रेकफास्ट भी हो जाता है क्योंकि 9 बजे तक ये लोग निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। गाइस रात के बज चुके हैं 9:30, और बस हमारा अचानक से प्लान हुआ बाहर
ऐसे ही चुटक उटक खाने का, मतलब मेरा नहीं मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उनका तो हमेशा ही रहता है बाहर खाने का, वो तो हम रोक लेते हैं। और घर में सारा खाना बना बनाया उन्होंने नहीं खाया, और यहाँ आ गए बाहर खाने चटोरी गली में। तो बस अभी हम चारों आ गए हैं, देखते हैं क्या खाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हमें मेला लगा। रोज ही कम है, छोटे छोटे आ रहे हैं। देखिए खाने वाले बाबा जी इडली बहुत शौक से खा रहे हैं। अरे लो ये मैंने 2 मिनट लगवाई है इसी वजह से। अभी हम लोगों ने खाई थी इडली सांभर, और मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था इडली खाने का। और अभी हम लोग चले गए दूसरी शॉप पर पिज़्ज़ा वाली, और यहाँ इस शॉप पे ना हम पहली बार खाएंगे पिज़्ज़ा, और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा, अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है तो पिज़्ज़ा आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। साथ में हमने बनवाई थी मॉकटेल, तो हमने मिंट मॉकटेल बनवाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो बस दोनों चीज़ों का स्वाद ले लेके हमने अपना फुल पिज़्ज़ा इंजॉय किया। ग्रीन एप्पल का है, लीची का है। कौन नहीं डलेगा? कौन डलेगा? नहीं 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 भैया। तो ये फ्राइड है ना, तो फ्राइड होंगे ये, फ्राइड है ना। उधर वो आवे साथ में से कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए ना, ये ले लेंगे ना, ये ना पिएगा ना। अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। मोमोज कुछ अलग टाइप के मोमोज है, एक तो वही चाट वाले, एक तो वो चक्कर, दो पुनी खाएंगे। मैं आइसक्रीम खाऊंगा बाहर।